नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज आप सबके लिए काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से। ये जो वैकेंसी है ITBP की तरफ से, इस वैकेंसी में मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सारे प्रोसीजर समझाने वाला हूँ और इस जॉब से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर से देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके ITBP की तरफ से जो आपके लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकली हुई है, उसमें आपके लिए क्या क्या वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी आप सबके लिए निकली हुई है। तो जैसे कि आप सब यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन है ये ITBP की तरफ से जो रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। इसमें ये जो नोटिफिकेशन है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए वैकेंसी है आप सबके लिए। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट जो है क्या होती है, कांस्टेबल क्या करना होता है कि आपको जो है, सबसे पहले इसमें बता देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। ये जो वैकेंसी होती है आपकी एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए, इसमें जो है आपको डॉग स्क्वाड, जैसे कि आपको डॉग और जो भी जो जानवर होते हैं जो ITBP के में जो है सर्विस कर रहे हैं, उनकी जो है आपको देखभाल करनी है और उन्हीं के साथ जो है आपको टाइम स्पेंड करना होता है। तो ये होती है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट। तो इसमें जो है आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे लेवल 3 का आपको जो है पे लेवल मिल जाएगा और यहाँ देख सकते हैं 70,000 के आसपास जो है आपकी जो है सैलरी रह भी सकती है। और साथ में देख सकते हैं ऑन टेम्प्रेरी बेसिस, ये सिर्फ लिखा हुआ होता है कि टेम्प्रेरी बेसिस होता है, कुछ ही जो है 1 से 1.5 साल बाद आपको जो है परमानेंट कर दिया जाता है। और ये कन्फर्म जो है ITBP की तरफ से 1 से 1.5 साल बाद जो है आपको परमानेंट कर दिया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, आपने सैलरी देख ली, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वैकेंसीज किस तरीके से है। टोटल 52 वैकेंसीज हैं और जो है आपके मेल में जो है अनरिजर्व में 28 है और ये फीमेल के लिए भी जो है इसमें आप भर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जैसे आप देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में 18 से 25 साल के बीच में जो भर सकते हैं। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है 28 सितंबर 1997 और 27 सितंबर 2004 के बीच में ही जो है पैदा होने चाहिए, अगर इसके बाद जो है आपका जन्म हुआ है तो आप जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और साथ में यहाँ देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है आप जो है कोई भी, सबने जो है मैक्सिमम 10th पास कर ही रखी होती है। तो सब बच्चे जो हैं जो भी इसमें जो है वैकेंसी में भरना चाहते हैं 10th पास वाले भी जो है इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, वैसे तो इसमें फ़ीस 100 रुपये बताई गई है और जो है जैसी आपकी आज से स्टार्ट होने वाली है वैकेंसी तो और भी जो है थोड़ा सा अपडेट आपको जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, आप जो है अप्लाई जो है ऑनलाइन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, और आपको अप्लाई करने के बाद आपके पास जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपको जो है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है मतलब PET देना है, उसके बाद जो है आपका रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले इनके हिसाब से जो है पहले आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन, फिर मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह आपके इसमें होने वाले हैं। तो काफ़ी आसान सी वैकेंसी रहने वाली है आप सबके लिए और जो है कोई भी इसे भर सकता है। एक खास बात इसकी ये रहने वाली है कि क्लास 10th वाले भी इसको जो है फिलअप कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं 29 तारीख से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा और जो है आपका कब तक चलने वाला है, 27 सितंबर तक जो है ये वैकेंसी आपकी चलने वाली है। तो जो भी बच्चा जो इस वैकेंसी को भरना चाहता है क्लास 10th के बेसिस पे, हर कोई भर सकता है, तो सब जो है इसमें ट्राई कर सकते हैं। ITBP की पोस्ट है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें जो है ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आपको जो है नॉन मिनिस्ट्रियल की जो है वैकेंसी इसमें मिल जाती है। तो दोस्तों और भी जो है जॉब अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।